सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। दोस्तों जानकारी ये देनी है कि बुरी तरह से इजराइल पर फिर एक बार यूक्रेन भड़क गया है, बुरी तरह से नाराज हुआ है। यूक्रेन ने साफ कह दिया है कि जिस तरह से इजराइल शांत बैठा है और कुछ भी नहीं बोल रहा, इससे साफ जाहिर है कि उसने अपनी साइड चुन ली है और वो पूरी तरह से रशिया के साथ है। बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट इजराइल के खिलाफ, ये यूक्रेन का पहली बार है। इस पर इजराइल बुरी तरह से भड़क गया है और इजराइल ने काफी सख्ती से कहा है कि बेसर पैर की बातें हैं और नेतन्याहू बहुत जल्द यूक्रेन पहुंच सकते हैं, ये बात भी कही। हालांकि ये बात सिर्फ कहने वाली है ताकि यूक्रेन शांत हो जाए, क्योंकि अमेरिका के सेनेटर्स का जो इसके बाद बयान आया है उससे आप समझ जाएंगे कि यूक्रेन क्यों भड़का है। अमेरिका के सेनेटर्स ने कहा है कि यूक्रेन अपने हथियार नहीं भेजने दे रहा इजराइल, अमेरिका कह रहा है। अमेरिका के सेनेटर ने कहा है कि हमारे पास जो इजराइल के आयरन डोम हैं, वो आयरन डोम जो हमारे पास हैं इजराइल के, वो भी यूक्रेन को भेजने से टांग अड़ा रहा है। ऐसा होता है इंटरनेशनल कानून में दोस्तों, अगर रजा ने अगर कोई हथियार बनाया है और ये अब्बास भाई ने हथियार खरीद लिया पूरे पैसे देकर, अब डील हो गई, अब वो हथियार उनके पास है। अब अगर वो अब्बास भाई हथियार अब हमारे फाइज भाई को देंगे कि भाई आप ले लो, तो इसके लिए अब्बास को मुझसे ही परमिशन लेनी होगी कि भाई हमने आपसे 2023 में ये हथियार खरीदा, अब हमारे पास एक ख़रीदार और आ गया है, क्या हम ये उसको बेच सकते हैं? तो मेरी रजामंदी ज़रूरी है। ऐसे ही अमेरिका के पास जो इजराइल के आयरन डोम हैं, तो अमेरिका जब यूक्रेन को आयरन डोम देना चाह रहा है तो इजराइल टांग अड़ा रहा है, ये खुद अमेरिका के सेनेटर ने कहा है। उधर एक बड़ी खबर ये है, बड़ी बात यह आई है कि वैगनर ग्रुप के हेड ने कहा है कि हमारा कोई भी प्लान नहीं था कि हम रूस के अंदर घुसे और राजधानी पे जाए और हमला करें। बस हम ये चाह रहे थे कि हमारा जो प्रदर्शन है, हमारा जो प्रोटेस्ट है, हमारी आवाज़ जो है सरकार तक जाए। अब दोस्तों यूके की जो इंटेलिजेंस है उसने डराने वाली बात बताई है। यूके की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर के ग्रुप के जो हेड थे, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ और ये तख्ता पलट की जो साजिश चल रही थी, रूस के इंटेलिजेंस ने धमकी दी थी वैगनर के हेड को कि अगर तुमने मॉस्को के अंदर कदम रखा तो तुम्हारे परिवार वालों को निशाना बनाएंगे। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वैगनर के ग्रुप को पीछे हटना पड़ा। हालांकि ये देखिए व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर आई है नई, व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी बयान दिए हैं, हाई लेवल की मीटिंग करी है और व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सरकार तमाम लोगों के साथ और ग्रुप के साथ मिलकर काम करेगी, हम सब एक हैं, वेस्ट के देश चाहते थे कि हम टूट जाएं, बिखर जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ना हम होने देंगे। वैगनर ग्रुप का धन्यवाद कि उन्होंने खुरेजी से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने मॉस्को के अंदर कदम नहीं रखा। हमने वैगनर ग्रुप से और तमाम लड़ाकुओं से जो फैसला लिया है, जो उनसे वादा किया है, हम उस पर खरे उतरेंगे और हमने जो प्रॉमिस किया है हम तमाम वादों को निभाएंगे, हम अपने देश को टूटने नहीं देंगे। वेस्ट देशों का ये षड्यंत्र था, जो भी कूप करने की कोशिश की गई, हमें वो चाह रहे थे कि हम अपने ही खून में डूब जाएं, एक दूसरे का खून बहा बहा कर हम खुद ही मिट जाएं। CIA को कौन नहीं जानता, CIA के एक्स हेड ने कहा है कि जो वैगनर ग्रुप के हेड हैं उसके पीछे रूस की खुफिया एजेंसियों के बहुत बड़े बड़े लोग पीछे पड़े हुए हैं, रूसी एजेंसियों के, वो बचेगा नहीं इंसान, वैगनर के ग्रुप का हेड मारा जाएगा। अब वैगनर ग्रुप ने कोई छोटी मोटी गलती तो की नहीं थी, सारी दुनिया की दिमाग की नसें फैल गई थी कि भाई ये क्या कर दिया इसने वैगनर ग्रुप ने। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हम भाई जांच कर रहे हैं इसकी, कि इसके पीछे कोई विदेशी हाथ तो नहीं था। उधर दोस्तों बड़ी खबर यह है, अमेरिका ने भी वैगनर ग्रुप के मुद्दे पर बात करी रशिया से और तमाम चीज़ें पूछी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला आ जाता है, जैसे यहाँ हुआ रूस में वैसे अमेरिका में भी हो सकता है।
तो जानकारी बहरहाल रूस ने भी शेयर करी है, ऐसी बात नहीं है, नरमी यहां भी रूस ने दिखाई है। रूसी टीवी चैनल पर एक रूस के एमपी ने साफ कह दिया है कि वैगनर ग्रुप के हेड को सीधा गोली मार देनी चाहिए। Дело в том, что сегодня, что бы там кто ни говорил, какие-то басни бы не рассказывал, только пуля в лоб, единственное спасение и для Пригожина, и для Уткина. Причем они меня знают. Они знают, что я отвечаю за каждое свое слово. Другого варианта нет. Суна, досто. अब इससे ऐसा लग रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने भले ही मुंह पे वादा किया है कि हम वादा निभाएंगे, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वैगनर के ग्रुप को सच में कोई ना कोई रूसी एजेंसी मार ही देगी। व्लादिमीर पुतिन ने कतर के अमीर और ईरान के राष्ट्रपति से फिर से फोन पर बात करी है। दोनों देशों ने व्लादिमीर पुतिन का साथ दिया और कहा है कि आपका देश यानी रूस कानून से चलना चाहिए, किसी संगठन से नहीं, यानी वैगनर ग्रुप के खिलाफ बयान दिया है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर से चिढ़ थी वैगनर ग्रुप को, जिसकी वजह से ये सब कुछ वैगनर ग्रुप ने किया। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद मैदान जंग में, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर जहां मैदान जंग है, जहां पर रूस के सैनिक लड़ रहे हैं, रूस के रक्षा मंत्री फिर उसी जगह पहुंच गए। उधर ज़ेलेंस्की भी फ्रंट लाइन पर यानी डोनेस्क के इलाके में पहुंचे और उन्होंने घायलों से और अपने सैनिकों से मुलाकात करी है। यूरोपीय यूनियन ने यह वीडियो जारी किया है, यह देखिए, और दावा किया है कि 24,000 यूक्रेन के सैनिकों को हमने ट्रेनिंग दे दी है और एयर डिफेंस भी सिखाया है, साथ ही लड़ाई की और जंग की सारी कुशलताएं इनको दे दी हैं। दोस्तों, ये वीडियो साफ साफ बता रहा है कि किस तरह से यूरोपीय यूनियन अपनी पूरी ताकत के साथ रूस के खिलाफ एक बड़ी सेना को तैयार करके लगातार यूक्रेन भेज रही है। उधर तुर्की ने भी रशिया को बड़ा झटका देते हुए यूक्रेन को बैरक्टर TB2 ड्रोन बनाने का लाइसेंस दे दिया है। अब तुर्की के ड्रोन तुर्की में नहीं, खुद यूक्रेन में बनेंगे और वहीं बनकर, वहीं तैयार होकर रूस पर जाकर हमला करेंगे। मेरे दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का बीच में एक नाम आया, यानी रूस ने धमकी दी थी कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल दाग देंगे। इस पर यूरोपीय यूनियन तुरंत हड़कंप में आ गया और फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरलैंड, इन तमाम देशों ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि हाइपरसोनिक अगर दाग दिया रूस ने तो हम कैसे रोकेंगे। वहीं रूस के सुखोई यानी SU-25 यूक्रेन के कई इलाकों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रशिया ने एक यूक्रेन के जासूस को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया।
Руки сиди. यूके की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि पिछले 3 हफ्ते में हमने 24 मरतबा रूस के एयरक्राफ्ट को, रूस के फाइटर जेट को खदेड़ा है। और रूस ने एक ताज़ा वीडियो जारी किया है, ये देखिए दोस्तों, जिसमें दिखाया गया है कि रूस के SU-27 ने काले सागर में RC-135 एयरक्राफ्ट और 2 ब्रिटिश एयरफोर्स के टाइफून, जो कि मल्टी पर्पस फाइटर जेट हैं, उनको खदेड़ा है। दोस्तों, ये ब्रिटेन के लिए एक जोरदार तमाचा है कि रूस अभी भी हवा में काफी मजबूत है। उधर डेनमार्क ने यूक्रेन के सैनिकों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, और साथ ही कहा जा रहा है कि यह डेनमार्क ही एक ऐसा देश है जो सबसे पहले यूक्रेन को F-16 विमान दे सकता है। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जितने खतरनाक हथियार और फाइटिंग व्हीकल यूक्रेन को दिए हैं, यूक्रेन ने अभी से ही उनमें से 15% हथियारों को गवा दिया है। यानी रूस बड़ी तबाही मचा रहा है। अब जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूं, रूस ने यूक्रेन के हथियारों के अड्डों को ही उड़ा दिया। लाखों और करोड़ों खरबों के हथियार यहां मौजूद थे। हंगरी ने तीसरी मर्तबा यूक्रेन को जो एड मिलने वाली थी यूरोपीय यूनियन के द्वारा, हंगरी ने टांग अड़ाकर रोक दी। वैगनर ग्रुप की गलत हरकत की वजह से, गद्दारी की वजह से 15 महीनों में पहली बार रूस की करेंसी रूबल सबसे निचले स्तर पर आ गई है। रूस के रोस्तोव के इलाके में जो जू है, चिड़ियाघर है, वहां आग लग गई है। व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से सामने आए और उन्होंने कहा कि हम फ्रंट लाइन में और भी नए ड्रोन UAV भेज रहे हैं। Продолжится совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск. Необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны. Подчеркну, сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи. Это предъявляет особые требования к офицерскому корпусу. В ближайшее время вам предстоит... Репорт я ви ары еки джулай мэхи. रूस और यूक्रेन की बातचीत शुरू हो जाएगी। डोनबास के इलाके में यूक्रेन ने खतरनाक स्टॉर्म शैडो मिसाइल से पूरे के पूरे ब्रिज को उड़ा दिया था। रूस ने तेजी से उस ब्रिज को बनाना शुरू कर दिया है। आखिर में मैं आपको यूक्रेन के ड्रोन की तस्वीर दिखाऊंगा जो कि रूस के इलाकों पर हमलावर है।
दोस्तों आज के वॉर अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और बताइए कि क्या लगता है कि कौन जीतेगा, रूस या यूक्रेन। दोस्तों इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।